एग्जाम्पल 10.3 पेज 182। ये वीडियो का पार्ट थर्ड है और इससे पहले के जो वीडियो के पार्ट वन और पार्ट टू है उसी में इसी चैप्टर के एग्जाम्पल के 10.1 और 10.2 क्वेश्चन को वीडियो के पार्ट टू में प्रोवाइड करा दिया गया है। और जो स्क्रीन पे आपके फॉर्मूले शो हो रहे हैं, इन सारे फॉर्मूलों के लिए एक डिटेल के रूप में समझाने के लिए वीडियो को बनाया गया, जो वीडियो के पार्ट वन में। इन दोनों वीडियो के लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 10.3 पेज 182। अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई द लेंस। क्वेश्चन सारे बहुत करना आसान है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या कॉन्केव लेंस है और इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। स्क्रीन पे देखिए, राइट स्क्रीन पे फॉर्मूले में जो फोकल लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। और फोकल लेंथ के लिए जो साइन हमें कंसिडर करना है वो है माइनस, बिकॉज ये कॉन्केव लेंस है। तो इसका वैल्यू, जो इसकी वैल्यू हो गई माइनस 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको कह रहा है एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें। सबसे पहले आप देखिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं यू। यू जो है उसका साइन हमेशा होता है नेगेटिव, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे कोई भी चीज़ पूछी जाए तो उसमें साइन मेंशन नहीं करा जाता है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे यू बराबर क्वेश्चन मार्क ले लिया। आपको आगे दे रखा है इमेज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज को लिखते हैं हम वी से, और वी के जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है। कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लेंस कौन सा दे रखा है आपको, कॉनकेव। तो उसको एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ। जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें हमेशा इमेज वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में प्लेस करते हैं तो इमेज भी आपकी लेफ्ट में ही बन रही है। और आप स्क्रीन में देखिए, अगर लेफ्ट में इमेज बन रही है तो उसका साइन आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे आपकी जो वी की वैल्यू हो गई वो -10 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम। तो स्मॉल एम आपके लिए हो गया क्वेश्चन मार्क, जो कि आपको फाइंड करना है। अब आपके पास जो वैल्यू है वी की है, एफ की है, तो वी और एफ की हेल्प से हम यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेंस का फॉर्मूला जो दे रखा है 1/v - 1/u = 1/f। यू निकालने के लिए यू वाले पार्ट को हम राइट में ले गए तो माइनस हो जाके 1/u प्लस बन जाएगा, और एफ को इधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा 1/f। यहाँ पे हम वी और एफ की जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है उसको यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूले में, इट मीन्स हम लगा रहे हैं। तो ये माइनस माइनस वैल्यू जो बन के हो जाएगी यहाँ पे प्लस, तो -1/10 + 1/15। आई थिंक ये कैलकुलेशन इजी है, तो मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ये आप स्क्रीन पे देख के समझ गए। तो ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके यू की वैल्यू फाइंड कर ली, -30 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यू निकालना था, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास -10 30 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है एम। तो एम के लिए फॉर्मूला H2/H1 और V/U दोनों ही होते हैं, बट यहाँ पे H2 और H1 हमें नहीं दे रखे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे केवल V और U में। तो सिंपली M का फॉर्मूला हो गया M = V/U लेंस के लिए। तो V की वैल्यू और U की वैल्यू लगाने पे ये आपका 10/30 यानी कैंसिल होने वाला 1/3। 1/3 थोड़ा सा कभी कभी डिवाइड करने बच्चे गलती मिस्टेक ना करें, तो इसके लिए मैं डिवाइड करके भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे 3 से 1 को। तो ये आपके स्क्रीन पे जब डिवाइड होके आ रहा है तो ये पॉइंट के दो प्लेस तक मैंने निकाला है, तो एम की वैल्यू आपको ये मिल गई 0.33। और मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये आपका आंसर आ गया, एम की वैल्यू 0.33। और यू भी पूछा गया था जिसको हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, -30 सेंटीमीटर। तो ये आपके दोनों आंसर सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.4 पेज 182। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। टॉल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से।
और इसका साइन हमेशा लेते हैं आप प्लस का, पॉजिटिव। तो एच वन की वैल्यू जो हो गई वो 2 सेंटीमीटर। आपको फिर दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लिखते हैं एफ से, और इसकी कॉन्वेक्स लेंथ के लिए जो साइन लेंगे कॉन्वेक्स के लिए वो हमेशा प्लस का होता है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखिए यू, और यू का साइन हमेशा क्या होता है माइनस, तो माइनस 15 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है नेचर, पोजिशन और साइज ऑफ द इमेज। नेचर मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। पोजीशन को लिखते हैं वी से, और साइज जो है इमेज का वो एच टू। साथ ही साथ आपको मैग्निफिकेशन एम भी निकालना है। अब आपके पास यहाँ पे एफ की वैल्यू है, यू की वैल्यू है, तो एफ और यू की हेल्प से हम वी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किस फॉर्मूले से? 1/v - 1/u = 1/f लेंस के फॉर्मूले से। यहाँ पे हम वी निकालना है, तो यू को हम यहाँ पे राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो -1/u राइट में जाके +1/u हो गया। और F की और जो U की वैल्यू हमारे पास है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/v = 1/10 + 1/-15। माइनस प्लस बन के माइनस हो गया, और यहाँ पे मैंने 10 और 15 में एलसीएम लिया 30। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 15 को करेंगे तो 2। तो ये आपका सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा v = 30 सेंटीमीटर। तो अब नेक्स्ट हमें निकालना हाइट h2। तो आप देखिए आपके पास m के h2 और h1 और v और u में फॉर्मूले हैं। m एम वी नहीं मालूम है तो हम h2 अपॉन h1 इक्वल टू v अपॉन u का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। h2 निकालने के लिए h1 को हम राइट में ले गए। यहाँ पे h1, v और जो u की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। h1 की जगह 2, v की जगह हमने फाइंड करी 30, और u हमारे पास है -50। 15 × 30, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइट आ गई आपकी -4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है? m। तो m के लिए कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, h2 / h1 या v / u। सिंपली v / u लगा रहे तो v और u की जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, नाउ वी अप्लाई दीज वैल्यूज एंड कैंसिल 15 × 30, देन वी गेट m = -2। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे नेचर। तो जो जो हमने वैल्यू निकाली है वी की, हाइट की और एम की, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यूज जो हमने निकाली थी ये सब पिछली वाली ही वैल्यूज है हमारे पास। अब देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको नेचर इसका समझा पाऊँगा। तो सबसे पहले आप देखिए कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के लिए डायग्राम बनाया है। यू आपका माइनस में है, तो माइनस का मतलब यू हमेशा लेफ्ट में रखेंगे 15 सेंटीमीटर, और V जो है वो प्लस का है तो वो आप हमेशा राइट साइड में बनाएंगे जो कि 30 सेंटीमीटर पे है। साथ ही साथ जो हाइट दे रखी है वो -4 है। माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी आपकी, तो ये अपोजिट इन्वर्टेड इमेज है। अब आप देखिए नेचर क्या हो गया इसका। तो नेचर जो हो गया वो इमेज रियल और इन्वर्टेड है। जो इतनी भी इमेज इन्वर्टेड होती है सारी रियल होती है। पोजिशन जो हो गई वो 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज हो गया 4 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन हम निकाल चुके हैं -2। और ये आपका फाइनल आंसर।